डीसी साहब हमको पानी दो और रोड दो। क्या क्या चाहिए आप लोगों को? पानी और रोड। क्या क्या चाहिए? रोड, पानी और रोड। रोड हम हर एक के पास गए, ठीक है। हमारी सरकारें आई, हम गवर्नमेंट के पास गए, हर किसी के पास गए, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ त्वचा नहीं दी, ठीक है। वो हमें बच्चे की तरह टिकाते रहते हैं कि हम जब उनके पास जाते, इतने लोग करलाते हैं कि हमें पानी दो पानी दो, वो यही समझते कि बच्चा आया है, इसको लालीपॉप दे दो। उन्होंने हमारे हमारे मुंह में लालीपॉप रख दिया, तो हमने उसे मुंह में रख दिया, तो हम चुप हो गए। चुप हो। डीसी साहब हमें पानी दे दो। क्यों पानी मांग रहे? पानी पीने के लिए नहीं है, नहाने कैसे? आप कहाँ जा रहे हो? पानी पी। यहाँ पर हम बिल्कुल सब यहाँ पर दिया प्याल वाले गरीब आदमी है, ठीक है, कोई नहीं देता पानी। आप लोग यहाँ गए थे एडीसी साहब? गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं भद्रवाह के इलाका बनवा में मौजूद हूं, जो कि चिंता वैली के ये एरिया है, और पंचायत आपको बताते ये डुगा है, और यहां के लोग परेशान हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं छोटे बड़े सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, और एडमिनिस्ट्रेशन तक गवर्नमेंट तक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये लोग रोड के बिना और पानी के बिना जो है जूझ रहे हैं, परेशान है, इनकी सुध लेने वाला नहीं कि ये किस माहौल में जी रहे हैं, किस भी सदी में भी ये लोग जो है किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। एक घंटे हम चलकर जो है पहाड़ी इलाके से यहाँ पहुंचे हैं, इनकी फरियाद जो है, इनकी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाने, इनकी बात जो है इंतजामिया तक, डिप्टी कमिश्नर डोडा तक पहुंचाने, ताकि इनका जो रोड का मसला और पानी का मसला जो है वो हल हो जाए। इन्हीं से मैं जानूंगा कि इस दौर में भी इस तरह की परेशानियां इनको आ रही है, बेसिक जो एमिनिटीज है, बेसिक जो चीजें रहती हैं उनसे ये महरूम है, इस वक्त पानी और रोड से ये महरूम है। इन्हीं से जानूंगा कितनी परेशानियां आती है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ, पंचायत मेरी डुगा पड़ती है। आप खुद देख रहे हो कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में इस वक्त गेलन है, हम पानी के लिए जा रहे हैं, हमें कम से कम भी अभी कोई 2-2.5 किलोमीटर चलना है पानी के लिए, ठीक है, फिर हमने पानी लाना है। देखो, पानी तो एक इंसान के लिए आम रोज की तरह तो बड़ा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पानी ना हो ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी भी नहीं है, ठीक है। पानी से देखो, पानी हम पीते भी हैं, पानी से हमारे कपड़े धुलते हैं, पानी से हमारा खाना भी बनता है, और हम इस पानी को ऐसे यूज करते हैं जैसे कि अमृत है ना, अमृत की तरह से हमें यूज करते हैं। हमें इतनी दिक्कत है पानी की कि हद से ज्यादा, ठीक है। और दूसरा हमारा देखो रोड, रोड की भी हमें इतनी दिक्कत है कि हद से ज्यादा, ठीक हो। अभी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है और आज तक भी हम उसी में ही है, 1947 में ही हम जी रहे हैं। सुधने लिए आपकी? देखो, हम हर एक के पास गए, ठीक है, हमारी सरकारें आई, हम गवर्नमेंट के पास गए, हर किसी के पास गए, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ त्वचा नहीं दी, ठीक है। वो हमें बच्चे की तरह टिकाते रहते हैं कि हम जब उनके पास जाते, इतने लोग करलाते हैं कि हमें पानी दो पानी दो, वो यही समझते कि बच्चा आया है, इसको लालीपॉप दे दो। उन्होंने हमारे हमारे मुंह में लालीपॉप रख दिया, तो हमने उसे मुंह में रख दिया, तो हम चुप हो गए। चुप हो गए, ठीक है। जैसे लालीपॉप खत्म, तो हम फिर उसके पास जाके, उन्होंने हमें बच्चे की तरह रखा है, ठीक है, जहाँ उसके पास जाना, अप्लीकेशने दी, बहुत कुछ किया। पॉलिटिकल पार्टी जो आती है यहाँ पे? जी जी, हर पार्टी आती है, बहुत आए यहाँ पे, हम नाम नहीं लेंगे, मगर हर एक पार्टी हमारे गांव में आई है, किसी ने हल नहीं, किसी ने नहीं, ठीक है। हमारे से वादे भी किए उन्होंने, एक एक ऐसे भी आए कि उन्होंने 12-12 दिन का वादा भी किया, 6-6 दिन का वादा भी किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप हमें जिता दो, हम 6 दिन के बाद आपको पानी देंगे। अरे जो उनको जीते हुए तो आप 3-4 साल हो गए, पानी तो क्या हुआ, हमारा फोन उठा के भी राजी नहीं आवा वो लोग। क्या आपको पता है एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है कि JJM, जिसका नाम रखा है जल जीवन मिशन, उसके तहत हर एक घर में पानी पहुंचना चाहिए। जी, क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, क्या जो फायदा हुआ आप? हमें कोई फायदा नहीं, हमें पता नहीं स्कीम का, सुना है हमने, ठीक है, लेकिन आज तक हमारे गांव में ये स्कीम पहुंची नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे गांव से ऊपर से लाइनें गई हैं, नीचे से लाइनें गई हैं, लेकिन इस गांव में आज तक वो स्कीम पहुंची नहीं है। पहुंची क्यों नहीं पता नहीं, हमारे गांव में शायद नेटवर्क ही नहीं आता होगा, वो रास्ते में रुक गई, ठीक है, या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले आगे उसके रास्ते में खा गए। हमारे गांव पर तो आज तक वो स्कीम पहुंची ही नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम बबली देवी है। आप भी पानी लाने जा रहे हैं? ये हमारा रोज का काम यही है, सुबह भी हम जाते हैं, दिन को भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, जितना काम भी पड़े हमने वो पानी रोजाना लाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ करने, पानी का काम है, पानी नहीं है हमारे पास। हमारे इधर गांव में पहले भी टैंकी आई थी, वो भी मतलब कि नहीं, इधर बनने भी नहीं दी कुछ लोगों ने, कुछ ने बनाई भी नहीं, वो भी गई ऐसे ही। अब हौज का काम आया था, वो बन रहा था, उस पे भी कुछ लोगों ने स्टे कर लिया है, वो भी बंद हो गया है काम। हमें ना पानी ना कुछ, हमारा रोज का काम यही, हमारी यही पीले जहाँ भी यही पहुंचेगी, मतलब कि हमें यही है कि पानी चाहिए हमें बस। बच्चों को आप बताएं, बच्चों को कैसे तैयार करते हैं स्कूल के लिए? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते होंगे तो पानी के बिना किस तरह पहने? बस ऐसे ही सुबह पहले पानी लाना पड़ता है, फिर बच्चों को तैयार करना पड़ता है, फिर उनको स्कूल में पहुंचाना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे देखो आप इनकी हालत देखो, पहले हमें पानी नहीं है, हम पानी लाने इतने दूर जाते हैं। तो रोड के बिना कितना मसला हो जाता है किसी को, पेशेंट या कुछ नहीं, आप खुद ही सोच सकते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे जा सकते हैं स्कूल? तो फिर जब बीमार होते हैं तब खुद उठाना पड़ता है, ना रोड ना कुछ, जल्दी में जाए तो जाए कैसे, कुछ तो रास्ते में खत्म हो जाते हैं। अभी तक तो बहुत आए, हाँ मानते हैं, देते कुछ नहीं है, चले जाते हैं, मानते सब कुछ है, बाद में कोई नहीं पूछता कि हमें कोई रोड की दिक्कत है, वो पानी की दिक्कत है, उस टाइम बोलते हैं वो कि आपको 5-6 दिन में पानी मिल जाएगा, पांच रोड भी मिल जाएगी, मगर बाद में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं आता, फिर न हमारा फोन उठाता न कोई आता है। आप बताएं कितनी परेशानी आती है? सर परेशानी तो बहुत है। तो जब पेशेंट होता है तो तब किस तरह से आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं? सर पेशेंट तो मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ पे ऐसे केस हुए, कुछ तो हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है, कुछ नहीं। कैसे लेके जाते हो रोड पे? सर उनको उठा के जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे केस भी होते हैं कुछ जिनकी फिर रास्ते में ही डेथ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें रोड की बहुत ज्यादा जरूरत है और पानी की भी जरूरत है, तो हमें ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे कुछ बच्चे भी है, आप आगे आए, आप बताएं कि कितनी प्रॉब्लम आपको आती है, ये बताएं थोड़ा सा, अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम आयुष कोतवाल है और हम डेली हम सुबह 8 बजे निकलते हैं इधर से और 10 बजे हम स्कूल में पहुंचते हैं और 2 घंटे हमें इधर से स्कूल तक लगते हैं और 5-6 किलोमीटर इधर से हमें हम यही चाहते हैं कि हमें रोड मिले, और कभी कभी तो हम स्कूल में लेट भी हो जाते हैं और हमें पनिशमेंट मिलती है और वो हमसे पूछते हैं कि आप लेट क्यों हुए, हम बोलते हैं कि हमें बहुत दूर है इसलिए हमें देर हो गई, तो फिर भी हमें पनिशमेंट देते हैं वो, और हमारे गवर्नमेंट से यही वो विनती है कि हमें गवर्नमेंट से यही विनती है कि हमें रोड मिले। क्या लगता है क्यों नहीं रोड आपको मिल रही है? पता नहीं, कोई सुनते नहीं, हम DC के पास भी गए, हम बहुत जगह गए, हमने एप्लीकेशन भी दी मगर कुछ भी नहीं करते। तो आप क्या अपील करेंगे डिप्टी कमिश्नर डोडा से? हम यही अपील करते हैं कि हमें रोड चाहिए, रोड चाहिए, हाँ, और पानी, दो काम कर रहे हैं, हाँ, हमारे पास दो काम है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हो आप ये लेके, कुकी लेके? पानी लाने। कहाँ से? नाला से। घर में पानी नहीं है? नहीं। क्यों है नहीं पानी? DC साहब हमें पानी दे दो। क्यों पानी मांग रहे हो? पानी पीने के लिए नहीं है। हाँ। नहाने कैसे? आप कहाँ जा रहे हो? पानी पे। पानी पे क्यों? हाँ? पानी घर में नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ? किस लिए है पानी? पीने के लिए। तो घर में नहीं है? नहीं। तो किससे मांगोगे पानी अब? बोलो। मेरा नाम प्रकृति, हमको पानी दो, रोड दो। रोड भी चाहिए? रोड किस लिए? स्कूल जाने के लिए। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी। चलो बड़ों का तो नहीं सुना आज तक किसी ने, अभी छोटे छोटे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द जो है रोड सेंक्शन करे और पानी का इंतजाम जल्द से जल्द। इस डीसी साहब हमको पानी दो, पानी दो। डीसी साहब हमको पानी दो।
और रोड दो। क्या क्या चाहिए आप लोगों को? पानी और रोड। क्या क्या चाहिए? पानी और रोड। सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम JJM के नाम से बड़ी मशहूर थी, जल जीवन मिशन। ये मोटिव था गवर्नमेंट का कि हर घर में जो है वो पानी पहुंचे और कोई पानी के बिना ना रहे। लेकिन इस वक्त हम चिंता में हैं और यहाँ पर इस स्कीम का किस तरह से लोगों को फायदा मिला है वो आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे और हमारे साथ एक्स सरपंच यहाँ के हैं उनसे भी पूछते हैं कि कितना फायदा आपको इस स्कीम का हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अपना नाम बताइए और थोड़ा सा बताइए जो इशू यहाँ पर आपको आ रहा है। मेरा नाम कुलदीप मनास है, मैं जालगा पंचायत का एक्स सरपंच हूँ। आपने देख ही लिया, आपने बहुत जगह घूमा, क्या हालात है यहाँ पर। आज से 70 साल पहले यहाँ पे जो आबादी थी उसके हिसाब से आधी आधी इंची या एक एक इंची की लाइनें बिछाई गई थी। ठीक। 2 साल पहले JJM में एक बहुत बड़ी स्कीम जो 10 करोड़ के करीब की, आपने देख लिया होगा, बोर्ड यहाँ पर बना हुआ है, बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि इतने रिजर्वायर बने, इतना वो बने, लेकिन ऑन ग्राउंड तो अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। अभी एक गांव में 20 या 25 या 30 या 40 पाइपें बिछाई गई हैं, मेन लाइंस बिछाई गई हैं पिछले 2 साल में, वो भी हवा में है ना, उनको पीछे से जोड़ा गया ना आगे से जोड़ा गया। जब हम मेन इश्यू ये है कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट और कंट्रैक्टर को कहता है कि हम पाइप लगाएंगे। सबसे पहले मुझे बताएं कितनी आबादी है इस एरिया की और कितने लोग जो है सफर कर रहे हैं इस चीज से? चिंता में 3 पंचायतें हैं, 3 पंचायतों में 10,000 के करीब की पॉपुलेशन है और आज की डेट में हर गांव में वाटर क्राइसिस है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनमें 70 साल पहले पाइप की फिटिंग की जो आज जगह जगह से लीक हो गई है, 70 साल में उसको रिपेयर तक नहीं किया गया। आज अगर एक लाइन 1 इंच की लाइन है किसी नेचुरल सोर्स से आ रही है जो लोकल सोर्सेज है तो उसमें आधी इंची का पानी भी 30-32 घरों में नहीं पहुंच रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जब ये 2 साल पहले हमारी JJM की स्कीम शुरू हुई, जाई चिंता स्कीम है ये, मजे की बात यह है कि पानी जाई का और ये पानी शुआ तक के लोग पी रहे हैं, लेकिन चिंता आपके लोग जो चिंता है, चिंता पानी है उनके लिए एक स्कीम तो पिछले साल पाइप डाली गई है, उसमें भी हमने उसका स्टैंडर्ड वर्क स्टैंडर्ड जो है अच्छा नहीं है। उसमें हमारे हमने बार बार डिपार्टमेंट से गुहार की कि एक बार चेक किया जाए, लेकिन ठेकेदार ने सिर्फ खाना पूर्ति की है कि पानी, और 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी अभी तक उस अगर डिपार्टमेंट उसी स्कीम में अगर इनका फिल्टर प्लांट नहीं बनता है और टाइम लेता है तो उसी स्कीम में अगर पानी डालता है तो कुछ हद तक वाटर क्राइसिस जो है खत्म हो सकती है, क्योंकि हमारा पानी है हम ही को नहीं मिल रहा है और पूरा आधा ब्लॉक पी रहा है, आधी तहसील पी रही है। JJM की तरफ से जो यहाँ पर जो काम लगाया, कितना सा काम वो हुआ है उसमें थोड़ा बताएं। आपने खुद देखा कि दो स्टोरेज टैंक चिंता में बने हैं, तीसरा एक हमारा गाँव है बनवा जहाँ एक जमीन पीस ऑफ लैंड जो आइडेंटिफाई किया गया था कि यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक बनाया जाएगा बनवा गांव के लिए, लेकिन उसमें कोई कानूनी दखलंदाजी होने के बाद पिछले 6-7 महीने से डिपार्टमेंट गहरी नींद सोया कि वो कंट्रेक्टर को दूसरी कोई जगह अरेंज करके नहीं दे रहा है और लोग तड़फ रहे हैं। किसी भी गाँव में ग्रेविटी लाइन एक बीच में जो लाइन डाली उसके अलावा ना उस लाइन को कहीं से जोड़ा गया है ना उसमें कोई और पानी चल रहा है, मैं खुद देख लिया। और आज की डेट में ये जो खुश्क मौसम चल रहा है, पिछले 2-3 महीने से बारिश नहीं हुई है, जो हमारे लोकल सोर्सेस थे वो भी सूख गए हैं। अगर आज के दिन में हमारी जाई स्कीम को जो पाइप पड़ी हुई है उसको कनेक्ट करके हमको अगर पानी थोड़ा थोड़ा भी दिया जाए तो बहुत से लोगों की परेशानी हल हो सकती है। तो इस वक्त कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? इस वक्त मैनेज कैसे कर रहे हैं, जो हमारे जैसे नेचुरल बौलियां हैं या चश्मे हैं लेकिन उनका पानी भी बहुत ज्यादा सूख गया है ड्राई वेदर के कारण। जो ये हमारी स्कीम्स हैं जो 1 इंच पानी जिसमें आता था उसमें आधी इंची से भी कम का पानी आ रहा है टर्न वाइज। अब एक गांव में 30-40 या 50 घरों के गांव में आधी इंच पानी आएगा तो आप खुद सोच समझ सकते हो कि वो लोग कितना तरसेंगे पानी। क्या अपील रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा से आपकी और जो भी हायर अथॉरिटीज? मैंने ड्यूटी कमिश्नर साहब को कुछ दिन पहले एक मेल भी की थी इसी के रिलेटेड जो आज तक लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं। मैं अपील करूंगा अपने जिला अपने तरक्याती कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर डोडा जी से कि थोड़ा इसमें इनिशिएटिव लिया जाए और कोई इसकी जांच करवाई जाए कि क्यों चिंता की JJM स्कीम पिछले 2 साल से आधार में लटकी हुई। ये कितनी पंचायत है जो इसमें जो है इसमें इफेक्टेड है? ये 3 पंचायत अफेक्टेड हो रही है। आज तक तो हमको क्राइसिस नहीं थी लेकिन ये खुशकशाली और पानी जो हमारे नेचुरल सोर्स उनका पानी कम होने के कारण हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कीम को कम्प्लीट किया जाए।